लेकिन दूसरी तरफ इसकी बिकवाली की वजह, पहला क्योंकि इसके जो लिस्टिंग है उसको एक साल पूरा हुआ 23 तारीख को, और लिस्टिंग पूरी होने के बाद जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स थे कंपनी के अंदर, जो इस समय जो आईपीओ से पहले से इन्वेस्टेड थे, उनका लॉक इन खत्म हो गया। आते हैं कंपनी के प्रमोटर, जिनकी करीब करीब 4.5-5% के आसपास की हिस्सेदारी है, इंप्लॉइज और साथ साथ वो संस्थागत निवेशक जो कि कंपनी के साथ आईपीओ से पहले से निवेशित थे, जिनके साथ लॉक इन लगा हुआ था। अगर प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स की बात करें, जो बड़े संस्थागत निवेशक थे, उसमें एज, आंट फिन, अलीपे, उबर, टेमेसिक, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि प्री आईपीओ प्लेसमेंट के टाइम से इस कंपनी के साथ निवेशित थे, तो शायद उनकी तरफ से भी इक्विटी छूटते हुए दिखाई पड़ सकती है। रफली 77.87% के आसपास का स्टेक है। आप लॉक इन पे जाएंगे तो 79% के आसपास का लॉक इन आपको दिखाई पड़ेगा, तो लॉक इन जो है वो शायद ईज आउट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरा, कंपनी के साथ कुछ ऐसी भी खबरें रॉयटर्स के हवाले से हमने सुनी है कि जो डोमिनोज है वो कंपनी के साथ जो कारोबार है वो थोड़ा सा बंद कर सकता है, क्योंकि वहां पर जो कंपनी के रेट्स हैं या फिर जो कमीशन है उसको लेकर कुछ फैसला होगा, और उसके बाद यहां पर दोबारा रिव्यू किया जाएगा। लेकिन ये भी एक नीजक रिएक्शन तौर पे स्टॉक के लिए कामकाज कर रहा था। ऐसे मल्टीपल टेलविंड, ऐसे मल्टीपल हेडविंड्स हैं जिसके आधार पर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी खबर तो यही कि करीब करीब 600 करोड़ शेयर जो कि मार्केट में ईज आउट हो रहे हैं, और उस ईज आउट होने की वजह से स्टॉक में तेज बिकवाली देखने को मिल रही है।